अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो है ना, मैं सेटअप पर आ गया हूँ और यार ये जो हमारी डक्स है ना यार, ये बड़ा ही तंग कर रही है। अच्छा हमने ना यार यहाँ से ना जो ये वाली मुर्गी थी, हमने यहाँ से चॉकलेट को हटा दिया क्योंकि हमारी डक्स ना उसके अंडों पर जाके बैठ रही थी। तो उसको हमने वो सामने वाला केज साफ वाफ करके जो है वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब जो है इन्होंने जो है एक लैला को तंग करना शुरू कर दिया। हटो, अभी लैला को बाहर निकाल के खुद बैठी हुई थी, तो मैं यार इसको ना यहाँ से कवर करना पड़ेगा ताकि यार ये जो डक से ना तंग ना करें। अच्छा मैं दाना लाया था, पहले मैं कुछ दाना यहाँ पे डाल दूँ क्योंकि यहाँ पे कबूतर वगैरह आते हैं कबूतरों के लिए ना। यहाँ पे दाना डाल देता हूँ दीवार पर ना, कबूतर वगैरह और चिड़िया वगैरह आती हैं तो खा लेंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है अब थोड़ा अपने गिनी पिग्स को दाना डाल दूँ क्योंकि गिनी पिग्स का दाना है, मगर वो जो इसमें जो चीज़ें होती ना वो सारी इतना छाँट छाँट के भाई ये लोग खा जाते हैं, और जो भाई बाजरा वगैरह इस तरह की चीज़ होती है ना वो छोड़ देते हैं। तो अभी मैंने इस फिलहाल इसमें डाल दिया, और इनकी केज की भी भाई सफाई करनी पड़ेगी। बुरादा डालने का यार फ़ायदा नहीं होता, बुरादा में डालता हूँ सारा जो फेंक देते हैं यार। इनका केज ना बेचारा होगा, कुछ बन ही नहीं पा रहा जब भी भाई हम कोई केज। अच्छा ये देखें यार, ये डक्स फिर अंदर घुस गई। ये देखें दोस्तों, डक्स ने यार ये बड़ा तंग किया हुआ इसने ना। या तो इसको मैं जाल में बंद करता हूँ इन दोनों को ना, क्योंकि यार इनको खुला छोड़ूंगा तंग करती रहेंगी। इनको यार एक जाल में बंद करके मैं यहाँ कहीं रख देता हूँ ताकि ना हमारी जो मुर्गियों को तंग ना करे, क्योंकि अंडे दिए हैं यार कुड़ू कुई में, उनको तंग कर रही है फालतू में। मैं सबसे पहले यार जाल लेकर आता हूँ, ज़रा इसको बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ आज। तो यार अभी जो है ना मैंने इनको भाई जाल में बंद कर दिया है, और यार दोस्तों अल्लाह के फजल करम से भाई हमारी जो ये चिक्स है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पहले से भाई रिकवर होने शुरू हो गए, और आज सारे ही मतलब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये वाला इसमें कौन सा एक था मुझे पता भी नहीं, क्योंकि सारे एक जैसे, इसमें कोई एक मतलब एक या दो तीन जो है ना बहुत ज़्यादा ही सुस्त हो रहे थे। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि आज जो है सारे सही नज़र आ रहे हैं, बस ये थोड़ा सा जो है डाउन नज़र आ रहा है। मगर आज भी मैं इंशाल्लाह इनको अभी लहसुन का पानी दूंगा, मैंने बनाता हूँ, मैं लहसुन पीस के लाया हूँ, अभी जो है लहसुन कूटा हुआ है वो जो है पानी बना के अभी सारे इनको भी देंगे, और सारी मुर्गियों को सेटअप के सारे बर्ड जितने भी बर्ड हैं सबको भाई लहसुन का पानी मैं अभी दे रहा हूँ। कम से कम दो तीन लहसुन का पानी दूंगा, फिर जो है सेब का सिरका होगा उसका पानी दूंगा इंशाल्लाह। इस तरह से ना करके दो तीन चीज़ों का ना रेगुलर पानी मतलब दिया करूंगा डेली, ना कुछ इनको अब ऐड करा करूंगा। ज़्यादातर चिक्स को ना लाजमी ऐड करूंगा क्योंकि यार चिक्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, क्योंकि ग्रोथ में ना उससे ज़्यादा ना फ़र्क पड़ता है। देखें अभी सिर्फ ये और ये मतलब अभी इस तरह बैठा हुआ, अगर मैं कुछ खाने को डालूंगा ना तो सारे एक्टिव हो जाएंगे माशाल्लाह। अभी वैसे सुस्त नहीं जैसे पहले सुस्त थे ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी सेट हो गए। अब चल के भाई मैं ज़रा इनका ना पानी बना लूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों आज जो है आपको जनरेटर का शोर सुनाई दे रहा हो क्योंकि यार आजकल आपको पता है मौसम देख सकते हैं किस तरह का हो रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मगर यार धूप नहीं है ना, तो इस वजह से यार सोलर काम ही नहीं कर रहे। तीन चार दिन से समझ लें धूप तो निकल ही नहीं रही सही, और जो है बिल्कुल मौसम ना ठंडा ठंडा हुआ हुआ है, तो धूप है नहीं तो यार सोलर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बहुत ना कम मतलब वो एनर्जी बना रहे हैं, तो बैटरियां सही चार्ज हो नहीं रही, तो अभी यार सोलर से गुजारा ही नहीं हो रहा, तो मजबूरन भाई आज जो है जनरेटर चलाना पड़ा। इस वजह से थोड़ा शोर वगैरह आया था तो एडजस्ट कर लेंगे, बाकी तो चलें ज़रा मैं फटाफट जाके ना इनका पानी बना दूँ क्योंकि प्यासे हो रहे हैं काफ़ी देर से, मैंने इनका पानी हटाया हुआ है। फटाफट ना सारे बर्ड्स को पानी देता हूँ फिर जो है आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी जो है ना मैं लहसुन का पानी इनका बना के लिया हूँ, अभी लहसुन का पानी रख देते हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं सारे पियेंगे। बाकी मैं अब सारे बर्ड्स को भी डाल लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा वहाँ तो मैं सबको डाल के आ गया जो ज़्यादा प्यासे हो रहे थे, अब इनको उठा के मैं ज़रा डाल देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी सारा बना लेता हूँ आपको पता है, ज़्यादा बर्ड्स हैं सबको एक साथ डाल देते हैं। अब चल के ज़रा मैं अपनी जो हमारे डक्स वगैरह वो भी प्यासी हो रही हैं, अच्छा इनका तो वो अंदर लगा हुआ है, चलो इनको डाल देते हैं हम हमारे चिक्स में। एक तो बाहर ही आ गया हमारा लोवन ब्राउन का, चलो अंदर जाओ अंदर शाबाश। तो भाई माशाल्लाह सारे चीज़ें, अच्छा यहाँ पे मुर्गे को भी डाल देते हैं, आ जाओ भाई ये शाबाश, यहाँ मुर्गे को भी डाल दिया, वहाँ जो है हमारे सारे चिक्स भी रहे। अब इनको देते हैं, अच्छा इनका मैं बर्तन ना ज़रा बाहर निकाल के लगाऊँ फिर डालूँगा, अंदर अगर बर्तन रहेगा ना तो यार ये सारे ना जो है पानी ख़राब कर देंगे और बर्तन भी फेंक देंगे, बहुत ना ज़्यादा बर्तन फेंक के। ज़रा मैं इनका बर्तन बाहर लगा दूँ फिर जो इनको पानी डालता हूँ। बाकी माशाल्लाह ये वाले तो पी रहे हैं आज, अच्छा मैंने बाल्टी पता क्यों नहीं लगाई,
बाल्टी में यार पानी ना ज्यादा जाया होता है, क्योंकि आधी मतलब थोड़ी सी बाल्टी अगर कम हो जाती ना तो ये जो चिक्स है ना इनसे पानी पिए नहीं जाता, इनका मुंह बाल्टी के अंदर जाता नहीं है फिर। तो इसी वजह से मैंने यार ये फिल्टर रख दिया अभी, क्योंकि थोड़ा सा ये खराब भी था फिलहाल, अभी ये रख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ नए फिल्टर लेकर आऊंगा, बड़े फिल्टर ना तो यहाँ पे रखने के लिए। और डक्स को यार मैं प्रॉपर ना बंद ही रखूँगा, बहुत ज्यादा तंग कर रही है ये जो है, बंद ही सही है इनके लिए, तो बाद में कोई सेटिंग करेंगे, फिलहाल अभी इनको यहीं पे बंद रखते हैं। अच्छा अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है ना, डक्स का तो चले इतना मसला नहीं है, यहाँ पर है ना अगर वो पानी में अगर गीली भी होंगी तो यार इनको इतना मसला होता नहीं है पानी से ना, तो खूब इंजॉय करती है पानी में, इस वजह से मैंने इनको यहाँ छोड़ दिया। बाकी सारे जो केजी से ना हमने अंदर इसी वजह से रखे हैं ताकि वहाँ पे पानी वगैरह ना जाए और सारे जो केजी से वो ख़राब ना हो बस, ठीक है ना। अभी मैं ज़रा इनको बाहर निकाल दूँ इनका बर्तन, फिर जो इनको पानी डालता हूँ, ठीक है। यार मैं जो है ना दोपहर से भाई यहाँ पर लगा हुआ था, क्योंकि मुझे ना यहाँ की छत की सफाई करनी थी इस जगह की, और तीनों केजीज की मैंने सफाई करी, उन केजीज में मैंने फिर आज ना दोबारा से जो पाउडर डाला, मतलब अभी जो है एक दिन छोड़ के एक दिन में पाउडर डाल रहा हूँ ताकि कोई भी मतलब कीड़े वगैरह है ना तो सारे मर जाए। अभी तीन दिन होगा मुझे जो है एक दिन छोड़ के एक दिन में डाल रहा हूँ इनको वहाँ पर पाउडर वगैरह, और सफाई भी मैं कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ की सफाई वफाई करके जो है मुझे वो मुर्गी को भी शिफ्ट करना था, क्योंकि हमारी डक्स यार बहुत तंग कर रही थी, वो ना मुर्गी बेचारी परेशान हो रही थी, डक्स अंदर घुस के बैठ जाती थी। अब पता नहीं ये कुड़ुक हो गई ये क्या चक्कर है, मगर ये अंडे भी रेगुलर दे रही है, इस वजह से ना यार इससे परेशानी बहुत हो रही थी, तो मैंने भाई इसको ना अभी अलग बंद कर दिया, ठीक है। अभी जो है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने धुम्बो दर में पानी पिला दूँ, मैं आपसे बातों में लग गया था कि प्यासे हो रहे होंगे, काफ़ी देर हो गई, ज़रा पानी वानी पिए, फिर इंशाल्लाह इनकी भाई खल भी भिगोनी है मुझे अभी, यहाँ तक कि मुझे खल भिगोनी है, फिर शाम में मतलब थोड़ी देर तक ना इनको जो है देंगे दाना। अभी तो ये तो पी नहीं रहा, इसने दोपहर में पी लिया था, ये पिएगा क्योंकि इसने दोपहर में नहीं पिया था, तो माशाल्लाह भाई ये पानी वगैरह पिए, फिर मैं ज़रा जाके इनकी खल वगैरह भी भिगोता हूँ। अच्छा दोस्तों मैंने यार शायद आपको इस चीज़ का नहीं बताया होगा, ये जो है आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पर भी दोनों मैंने टाँकी हुई है, ठीक है, और ना अपने वहाँ पर केजिस में भी टाँकी हुई है, तो उसका मैं बताता हूँ ज़रा। ये पहले मैं बाल्टी हटा लूँ ताकि हमारे जो दुम्बे पानी फेंकना था, ठीक है। अच्छा इसका मैं आपको जो है बताता हूँ इसका सीन क्या है, आप लोग रोज़ व्लॉग में देख रहे होंगे भाई ये यहाँ पे दो दो ये बोतलें टगी हुई पानी है, उसके अंदर क्या डला हुआ है, तो भाई ये हमने लगाया है यहाँ पर ना मच्छर और मक्खियों के लिए, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसका ना जो है रिजल्ट ना बहुत ही अच्छा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये है क्या चीज़, ठीक है ना। अच्छा ये भाई है, मैंने इसके अंदर डाला हुआ है पानी, पानी के अंदर आपको बोले नज़र आ रही होंगी वो है भाई काफूर की गोलियाँ, काफूर की गोलियाँ आपको पता होगा जो है क्या बोलते हैं केमिकल शॉप वगैरह से आपको मिल जाती हैं आराम से ना, तो भाई ये काफूर की गोलियाँ हैं और इसके अंदर पानी, और पानी के अंदर मैंने क्या मिलाया, पानी के अंदर मैंने मिलाई है चीनी, मतलब दो तीन चम्मच का आधा लीटर पानी होगा उसमें दो तीन चम्मच चीनी और दो तीन काफूर की गोलियाँ मिला के, और जो है इनको रख दिया। एक दिन के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह, वरना यार इस जगह पे ना हमारे तार हैं, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तारों पे, ये देख रहे हैं मक्खियों ने बैठ बैठ के ना काला किया हुआ था, मक्खी और मच्छर यहाँ भरे हुए होते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक मच्छर नहीं है यहाँ पर इस जगह पर, ना मगरिब का टाइम होता था मच्छर भर जाते थे, ना तो मच्छर है ना मक्खी है तो इसका भाई रिजल्ट अच्छा है। जब भाई मैंने भी यूट्यूब से देखा था, मुझे पता नहीं था, मैंने भी भाई एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, और यूट्यूब पर नहीं टिकटॉक पर देखी थी, तो टिकटॉक पर वीडियो देख के मैंने बोला हो सकता है भाई रिजल्ट अच्छा हो, ट्राई करते, मैंने ट्राई किया और माशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा, मैंने यहाँ पर भी लगा और वहाँ पर केज में भी लगाया हुआ, मैं अभी चल के भी आपको दिखाऊंगा इससे यार माशाल्लाह ये है मच्छर अच्छा नहीं होंगे इससे आपके, ना तो बर्ड्स मतलब जो भी बर्ड है ना वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मच्छर वगैरह इनके काट लेते ना तो इनके यार दाने वगैरह हो जाते हैं फेस पे, इनके ताज पे, मुँह पे, वो अजीब से फिर वो बीमारी ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि मच्छर का भी सीजन ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने यार ये ट्राई किया है और इससे एक ये कामयाबी पड़ना, यार हमारे दुम्बे भी बहुत परेशान होते हैं, खास तौर पर सुबह के टाइम पे जब हम आते थे ना तो दुम्बे इतने ज़्यादा परेशान हुए हुए थे ना, पूरी रात इनको मच्छर जो है तंग करते थे, अभी अल्लाह का शुक्र है मच्छर वगैरह इधर नहीं है, बहुत ही कम मच्छर हैं यहाँ पे, वरना तो भाई बहुत ज़्यादा मच्छर तंग करते थे, तो अभी इन्होंने पानी वानी तो पिया नहीं, छोटे उन्होंने पिया, मोटे ने नहीं पिया, अब चल के ज़रा मैं इनकी खल भी भिगो दूँ। अच्छा उस साइड पर ज़रा शोर ज़्यादा हो रहा है,
तो मैं पहले कल भिगो लेता हूँ, फिर जो है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यार दोस्तों अभी जो है ना सारे बर्ड्स को भाई लहसुन भी डाल दिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि लहसुन मेरे याद ही नहीं रहता। असल में मसला ये ना, हम दुम्बों ना जो लहसुन हुए दोपहर में डाल देते हैं, पप्पा ने थोड़ा बहुत लहसुन बचा के रखा था मुर्गियों के लिए, मगर वो भी जो है ज़्यादा था, तो मैंने ये कि इनको काट के सबको मुर्गियों को डालने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा था ना वो अपने दुम्बों को डाल दिया फिलहाल, क्योंकि फिर वो इतना मुर्गियाँ ज़ाया करती हैं, फ़ायदा नहीं था इतना ज़्यादा मुर्गियों को डालने का, फिलहाल यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। मुर्गों का हमारा मुर्गा भी खा रहा है माशाल्लाह, यहाँ पर थोड़ा फिंचिस को भी डाला है, बाकी माशाल्लाह हमारे चिक्स तो भाई बड़े ही शौक से खा रहे हैं, और अल्लाह पाक का भाई बड़ा ही शुक्र करम है, समझ लें कि भाई हमारे जो ये चिक्स ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए आज, बहुत भाई मैं इनके लिए मेहनत कर रहा था, काफ़ी दिन से लगा हुआ था कि बस ये किसी तरह ठीक हो जाए, मैंने अर्जेंट बेस पे केज बनवाया इसी वजह से कि बस यार हमारे जो चिक्स है ना ये चिक्स जो है सेव हो जाए बस, क्योंकि यार इनको बड़ी मेहनत करी थी, ये फर्स्ट सेकेंड ब्रीड थी समझ लें हमारी लैला की, और ये अगर सेकंड ब्रीड भी हमसे ज़ाया हो जाती ना तो यार ये बड़ा ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता। अब जो है थर्ड जो है कलर जो है अपनी इंशाल्लाह निकलेगा, उसको तो भाई हम लेला के नीचे ना छोड़ेंगे नहीं, हमने ब्रूडर बनवाया हुआ इंशाल्लाह, उसमें यार थोड़ी सी बार मुझे जो है थोड़ा बहुत काम करना है, उसमें फ़ैन वगैरह इंस्टॉल करना है, उसके लिए यार थोड़ा ना ड्रिल मशीन का काम है, मतलब ना कारपेंटर से काम करवाना है थोड़ा बहुत ना, उसमें सुराख वगैरह करवाने, तो वो करवाने के बाद इंशाल्लाह मैं उसमें जो है फ़ैन फिट करूँगा, फिर ये कि सारे चिक्स ना इंशाल्लाह उसी में रखा करूँगा, मुर्गी से निकले और मुर्गी के नीचे अब छोड़ूंगा ही नहीं, निकलते ही जो है डायरेक्ट जो है ब्रूडर में, ब्रूडर से फिर हम ये वाले केज ना रखा करेंगे, इतने जैसे ये वाले हमारे जो चिक्स हैं ना इतने बड़े चिक्स के लिए ये वाला केज बनाएंगे, ठीक है। ये केज हमने उन्हीं मतलब इसी पर्पज़ पे बनाया मैंने कि जो ये वाले चिक्स होंगे ना एक डेढ़ महीने के दो महीने के चिक्स, उनको इस वाले केज में शिफ्ट किया करूँगा, मतलब जो जीरो मतलब जो बिल्कुल न्यू हैच होगा ना वो जो हम रखा करेंगे भाई ब्रूडर में, ब्रूडर के बाद जो है एक महीने बाद इसमें शिफ्ट करेंगे, एक महीने से डेढ़ दो महीने तक भाई इसके अंदर ही रखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उनको सेल करना है या रखना है, जो भी होगा ना फिर वो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी जो है इसी में रखा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यार ये वाले चिक्स आपके सामने माशाल्लाह कितना अच्छा ग्रोथ किया इन्होंने, और ये भाई फुल ना माशाल्लाह एक्टिव है, कोई बीमारी भी नहीं है, असल में इनमें यार हमने वैक्सीन भी करी थी, सबसे जो मेन बात है ना इनमें हमने जो है वैक्सीन कर दी थी दो या तीन दिन बाद, ये सारे चिक्स ये सही है सात हैं टोटली आठ थे, वो एक जो है बीच में मर गया ना, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया इनसे भी बड़ा हुआ था, डेढ़ महीने तक का था वो, पता नहीं किस तरह मरा था वो मुझे आइडिया नहीं है, मगर बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे चिक्स हैं, वो बीमारी में नहीं मरा था वो, मतलब ऐसे उसको कुछ हो गया था तो मर गया, अगर कोई बीमारी आती ना तो सारे चिक्स में आती, तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे चिक्स जो है सेव हैं, बस वो एक मरा था, देखिए ये चिक्स माशाल्लाह भाई अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं आपके सामने, और ये जो ये वाला मुर्गा और ये मुर्गा और ये मुर्गा, ये मुर्गे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, सबसे ये छोटा मेरे ख्याल से ये वाला है इसमें, हाँ यही है ये मुर्गी सबसे छोटी है, अच्छा इसमें चार मुर्गियाँ हैं तीन मुर्गे हैं, अभी देखते हैं यार इसका मैंने सोचा नहीं सेल करना है रखना, पप्पा तो बोल रहे हैं मुझे सेल करने का, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली ब्रीड रख के और जो है इनसे जो है कोई ब्रीड लूँगा अच्छी, क्योंकि यार नस्ल ना संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है, ये मेरे पास आई है, ये मैंने अंडे लिए थे किसी से ना जो है ये प्योर मियाँ वाली ब्रीड में से हैं और बड़ी जो है फाइटिंग जो है ब्लड लाइन में से हैं, और इसकी अगर मैं मुर्गियों को दिखाऊँ ना ये मुर्गी है, अगर मैं इस मुर्गी का गेम दिखाऊँ ना आपको, ये देखें एक मुर्गी का नहीं सब मुर्गियों का, ये देखें इस मुर्गी का गेम देख रहे हैं आप, ये देखें ये मुर्गी है मुर्गा नहीं है ये देख रहे हैं, अब उस मुर्गी का गेम दिखाता हूँ मैं आपको, अभी ज़रा डर के भाग रही है, असल में सारी मुर्गियाँ हो मुर्गे हो माशाल्लाह भाई ये जो है, असल में मैं बैठ रहता हूँ ये देखें, मैं इसे खेलते रहता हूँ तो मेरा हाथ इन्होंने जख्मी किया हुआ है, अब जो है मैं आपको गेम दिखाता हूँ, ये देखें ये अब आइए पास, अब ये देखें इसका गेम, इस मुर्गी का गेम आप चेक करें बस, ये जब पकड़ लेती है ना मेरा हाथ तो छोड़ती नहीं है, ये देखें मुर्गे भी भाई कम नहीं है हमारे, अभी फ़िलहाल ये खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा इनको यार तंग नहीं करता हूँ मैं, ठीक है ना, ये माशाल्लाह घूम रहे फिर रहे हैं, बाकी मैंने यार दुम्बो की खल जो भिगो दिए इंशाल्लाह वो मैं दूंगा इनको रात में ना आठ बजे तक साढ़े आठ बजे तक, ताकि इनकी ना भूख भी भाई वीआईपी हो और ये ना रच के खाएं माशाल्लाह, और कल जो है मैंने फर्स्ट टाइम इनको खल दी थी और इत्तेफाक से ना मुझे खल का आइडिया हुआ नहीं, मैंने भिगोई तो कम थी मगर जब वो फूलने के बाद ना बहुत ज़्यादा हो गई, तो आज मैंने ना लिमिटेड मतलब क्वान्टिटी में भिगोई कि वो दाने में इतनी मिक्स हो जाए कि दाना आराम से खा लें, कल भी खाया इन्होंने मगर थोड़ी देर से खाया माशाल्लाह ख़त्म कर दिया था, मगर ये
फौरन जो खाते ना, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम भी दिया था, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ज़्यादा खल दे दी, मुझे आइडिया हुआ नहीं उसका कितनी भिगोनी है, जो वो सूखते हैं क्योंकि आपको पता है कैसी होती है, भीगने के बाद कितनी ज़्यादा फूल जाती है, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। बाकी माशाल्लाह हमारे दुम्बे भाई बहुत 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 जो है अच्छे हो रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं इन पर भी जो है। बाकी आप लोग भी दुआ किया करें भाई हमारे सारे बर्ड्स के लिए, और हमारे सारे भाई जो है पेट्स, हमारे जितने भी दुम्बे वगैरह जो भी हैं सबके लिए दुआ किया करें, ठीक है ना, ताकि यार सारी चीज़ें हमारी सेफ रहें। बाकी यार दोस्तों ये जो हमारे लव बर्ड है ना, जो लोटिनो, ये वाले भाई पता नहीं कब ब्रीड करेंगे, ये तो यार ब्रीड ही नहीं कर रहे अभी तक, क्योंकि ये हमने पट्टे लिए थे, वैसे मेल फीमेल चेक तो कर लिया, बाकी यार आपको पता है ऐसे तो कन्फर्म होता नहीं, डीएनए ही करवाना पड़ता है जिनसे लिए थे, मतलब उन्होंने तो यही बोलता है कि भाई मेल फीमेल ही है। और ये बॉक्स में भी बैठ रहे थे, अगर मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाऊं, मैं भी बहुत कम ही बॉक्स चेक करता हूं। माशाल्लाह दोस्तों हमारे भाई लवबर्ड ने यार अंडे दे दिए, यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कसम से, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए आज फर्स्ट टाइम खोला, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई इन्होंने अंडे दे दिए, और 3 अंडे दे दिए माशाल्लाह। दोस्तों आप लोग भाई दुआ करें कि भाई हमारे जो है ना इसमें से भाई बच्चे निकल जाएं। देखें दोस्तों माशाल्लाह जो इसमें अब ये पता नहीं पूरा पेयर बैठा है, माशाल्लाह इसे 3 अंडे दे दिए, देख सकते हैं, मैं ज़्यादा खोलूंगा नहीं, ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए, तो भाई इसको बंद करता हूं मैं आपको दिखा के, सिर्फ ये देख सकते हैं माशाल्लाह। बाकी दूसरा बॉक्स चेक करते हैं दोस्तों चल के कि भाई इन्होंने दूसरा पेयर ने भाई इसके अंडे वंडे दिए नहीं दिए, इसको भी चेक करें। दूसरा बॉक्स तो दोस्तों खाली है माशाल्लाह, एक ने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेयर है, और इसमें या तो कुछ गड़बड़ है जिसमें, क्योंकि एक जो है ना इसमें मेल है या फीमेल है जो भी है पता नहीं, वो बाहर बैठी रहती है। मगर यार दोस्तों मुझे आज बड़ी ही खुशी हो रही है कि भाई हमारे लवबर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह भाई अंडे दे दिए। बाकी मैंने यार मैं तो इनको ना बहुत कम ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही इतनी जल्दी भाई अंडे वंडे देंगे नहीं इनको, ना भाई टाइम भी लगता है। और जो पप्पा भी मुझे बोल रहे थे यार इनको चेक करो क्या चक्कर है, इन्होंने अंडे वंडे दिए नहीं दिए, कब देंगे अंडे, और अल्लाह पाक का करम है आज इन्होंने अंडे दे दिए। बस यार अल्लाह के करम से इनके जो बच्चे हैं ना मतलब सही सलामत हैच हो जाए, फर्स्ट टाइम हमारे पास ये ब्रीड करेंगे। तो भाई मैं ज़रा ना आज पप्पा को भी जाके बताऊंगा कि भाई हमारे जो लवबर्ड है ना उन्होंने माशाल्लाह अंडे दे दिए, और 3 अंडे दिए फर्स्ट टाइम में, तो अब देखते हैं कब तक ये बच्चे जो है हैच होते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको भी अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को आगे सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी नई वीडियो के साथ, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़।